कोटा शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर के नगर निगम के द्वारा कई बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी शहर की कई कॉलोनियां और सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर की सफाई व्यवस्था मात्र खानापूर्ति की जा रही है। आज हम मेरा वार्ड मेरी समस्या में बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 14 के। जी हाँ, वार्ड संख्या 14 में संजय गांधी नगर स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र आता है। इस सब्जी मंडी के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि वहां पर चारों तरफ गंदगी है। सफाई कर्मचारी नहीं आने से खुद ही सब्जी विक्रेताओं को वहां की सफाई करनी पड़ती है। जगह जगह गंदा पानी जो है वो फैला रहता है। गंदा पानी फैला रहने से हमेशा मच्छर के कारण डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां फैलने का खतरा है। सब्जी मंडी में व्यापार करने वाले सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में एक महिला सफाई कर्मचारी आती है, वो क्षेत्र में अपना अधिकार बताते हुए किसी और अन्य को सफाई ही नहीं करने देती। उसके बदले वो हर महीने एक दुकानदार से 100 रुपए भी मांगती है और दुकानदार उन्हें 100 रुपए देता है। अब वो 100 की जगह 300 रुपए मांगने पर अड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से सफाई करने भी वो नहीं आ रही है। ऐसे में उनको खुद को ही उनकी जो जगह है वहां पर सफाई करनी पड़ती है। स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का ये भी कहना है कि रोज मंडी में सफाई नहीं होती। क्षेत्रीय पार्षद जब से इनकी इस बात की शिकायत उनसे की जाती है तो उनके द्वारा सफाई कर्मचारी भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी समय से वो एक ही महिला है जो सफाई कर्मचारी है और सफाई कर्मचारी ही वहीं पर सफाई करती है और वो क्षेत्र को अपनी गिरवी मानते हुए किसी अन्य दूसरे को सफाई नहीं करने देती। प्रतिमा अब एक दुकानदार से 300 रुपए मांग रही है। ऐसे में इतना खर्च निकालना उनके लिए भारी पड़ रहा है। क्या स्थिति है सब्जी मंडी की अभी? सब्जी मंडी में गंदगी बहुत सारी रहती है। यहाँ पर वार्ड पार्षद बोलते हैं, वो तो सुनाई करते हैं हमारी, मगर जो हमारी इसमें मंडी में जाने वाले लग रहे हैं ना वो अलग है। कोई कहती है कि मैं जाड़ूंगी तो कोई को मैंने जाने दी, तो फिर वो आती नहीं है रोज सफाई? वो आती नहीं है, उन्होंने पैसे बढ़ाने की बोली, हमने पैसे की भी आई भरी, पैसे भी बढ़ाएंगे मगर आप रोज आओ फिर। अच्छा, पैसे तभी पैसे बढ़ाएंगे, पैसे भी आपको देने पड़ते हैं? हमें देने पड़ते हैं, हम देते हैं मंडी साफ करने। नहीं, फिर भी आपको सफाई करनी पड़ रही है? करते हैं, इंडिया आएगी जमी तो करेंगे, फिर कौन करेगा? काफी गंदगी, मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे, देख लो आप। डेंगू आएगा तो हमारे डेंगू का ग्राहक को भी होगा। क्या नाम है आपका? नाम राम मूर्ति जी। नाले के पास गई थी, इतनी गंदगी पहुंची नाले के, वहाँ पे बैठा भी नहीं जाता हमसे। और वो तो बस है ना, 3 महीने में 8 दिन ही आई है, उसके बाद में उसने छुट्टियां कर ली है। और पैसे बढ़ाने ही बोला तो हमने कहा पैसे बढ़ा लो आप, मगर रोज आओ, कहीं जाओगी तो फिर दूसरे को लगा के जाओ। कितने देने पड़ते होंगे आपको? हमारे एक दुकान से 100 रुपए महीना लेती हूँ। 100 रुपए महीना, लेकिन फिर भी सफाई नहीं हो पा रही? फिर भी सफाई नहीं हो रही, ऐसे गंदी वाड़ा में बैठना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजी है जी। यहाँ आप धंधा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अपना बिजनेस करते हैं सब्जी का, क्या स्थिति है पूरे इलाके की? देख लो आप स्थिति, आप देख रहे हो कि स्थिति गंदी हो रही है। बेटा भी नहीं जाता है, कहते हैं छुट्टी करूंगी तो करूंगी, सही में तो क्या नाम से मेरा काम पड़ेगा तो जाऊंगी मैं, तो छुट्टी करूंगी। आपके बच्चे तो जड़ाओ, तो मत जड़ाओगे, दूसरा भी नहीं आता कोई, दूसरा भी नहीं आता, उसके अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता। मैंने गिरवी रख रखी है, दूसरा कैसा जान लेगा, कैसे जान लेगा, कोई जानने वाला है, मैं देखूंगी उसको। क्या नाम है आपका? जी सर, ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये संजय नगर कहलाता है, ये संजय नगर की सब्जी मंडी। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं होती है, हमको करना पड़ता है। तो सफाई वाले नहीं आते? नहीं आते। कभी आपने बताया होगा पार्षद वगैरह को? बताया पार्षद को? बताया ना, उन्होंने कहा था हम लगाएंगे, यू बोला पार्षद ने पोली पे लगाएंगे, पार्षद ने तो बोल दिया भाई हम लगाएंगे, पर वो ये कि जो मंडी में थी कि मंडी में नहीं गिर रखी है, वो क्या है कि एक निकालने आती है जो कहती है भाई मंडी मेरे उसमें है, जबकि कोई नहीं है, उसके चक्कर में पार्षद ने कहा भाई तू निकाल, तू निकाल, तेरे पेट पर लात क्यों मारे? हाँ सही है, किसी पे पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। रोज नहीं आती, लेकिन रोज नहीं आती, वो जो मनमानी करने लगी। पूरा इलाका आता हुआ सब्जी लेने यहाँ? तो हाँ, आस पास के सारे आते। क्या नाम है आपका? नेमीचंद।